गुड मॉर्निंग, मैं सुमन भारती GITI सहगन जौनपुर से ड्रेस मेकिंग अनुदेशिका। आज हम टक्स के बारे में जानेंगे। टक्स का प्रयोग कहाँ होता है, टक्स के टाइप्स, टक्स के रूल्स, रेगुलेशंस, इसके नेसेसरी टक्स। जैसा कि टक्स के नाम से ही जाना जाता है कि टक्स हमेशा पोशाक की सुंदरता उसको सजाने के लिए डाला जाता है। टक्स का टक्स एक निश्चित दूरी पे लंबाई गोलाई अर्थात चौड़ाई में सीधी साइड जो भी सिलाई डाल जो भी फैंसी सिलाई डाली जाती है उसे हम टक्स कहते हैं। इसे अधिकतर लेडीज गारमेंट और जेंट्स चिल्ड्रेंस गारमेंट में प्रयोग किया जाता है। इसे हम फैशन के अकॉर्डिंग किसी भी गारमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम टक्स के टाइप्स जानेंगे, जैसा कि पिन टक्स, क्रॉस टक्स, डायगोनल टक्स, डायमंड टक्स, रिलीज टक्स, सेल टक्स, कॉर्डेड टक्स। तो सबसे पहला कौन सा टक्स है, हमारा पिन टक्स। पिन टक्स लेंथ वाइज डाली जाती है, इसको एक एक इंच या डेढ़ इंच में डिवाइड कर देते हैं। इसको पिन, जैसा कि पिन के नाम से ही प्रतीत होता है कि सिर्फ पिन की मोटाई के बराबर डाली जाती है, तो इसको हम लेंथ वाइज डालते हैं, इसे हम पिन टक्स कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है जो क्रॉस टक्स है, इसको हम सबसे पहले लेंथ वाइज डालते हैं यानी पिन टक्स की जैसे डालते हैं। उसके बाद लेंथ वाइज डालने के बाद इसको हम सेम दूरी निर्धारित करने के बाद इसको विड्थ वाइज डालेंगे तो एक क्रॉस बन जाता है, एक चौकोर हिस्सा बन जाता है, इसे हम क्रॉस टक्स बोलते हैं। इसका प्रयोग हम बच्चों के टॉप वगैरह में करते हैं। सेकेंड डायगोनल टक्स, इसकी दूरी भी हम एक इंच या डेढ़ इंच रखते हैं। इसको हम हमेशा ऑरेव यानी बायस में तिरछा एक एक इंच या डेढ़ इंच रख के इसको निशान लगा लेते हैं, फिर इसको पिन के बराबर ही इस पे सिलाई करते हैं। नेक्स्ट डायमंड टक्स, डायमंड टक्स भी हम पिन के बराबर ही सबसे पहले लेंथ में पिन टक्स के ही बराबर डाल लेते हैं। इसको भी हम पिन की मोटाई के बराबर डालते हैं। उसके बाद सीधा इसको क्या करते हैं, एक रूप में प्रेस कर लेते हैं ताकि इसका जो डायरेक्शन होता है वो एक रूप में रहे। इस पे पिन टक्स डालने के बाद जो हम नेक्स्ट टक्स डालते हैं जिससे हमें बर्फी का आकार मिल जाता है यानी डायगोनल टक्स डाल देते हैं, तो इसके हम इसे हम क्या कहते हैं, डायमंड टक्स। इसका भी प्रयोग हम बच्चों के टॉप लेडीज सूट वगैरह में कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीज टक्स, इसे हम लेडीज गारमेंट में प्रयोग करते हैं। इस टक्स से लेडीज चेस्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इससे फिटिंग एंड फुलनेस है। और इस टक्स का मेन पर्पस है कि कभी भी इस टक्स को डालने के बाद इस टक्स से जब हम बीच में ही छोड़ना पड़ता है तो इस टक्स को जब हम लॉक करते हैं यानी उतर जाते हैं चेस्ट पर डालेंगे तो हम पूरा नहीं कवर करते हैं, तो जब भी इसको हम डाल रहे हैं या उतर रहे हैं तो इसको लॉक कर देंगे ताकि इसकी सिलाई खुले नहीं। इसे हम रिलीज टक्स कहते हैं। इसे हमेशा वेस्ट पे डाली जाती है चेस्ट के फुलनेस के लिए। नेक्स्ट है हमारा सेल टक्स। सेल टक्स हमेशा हमें अम्ब्रेला फ्रॉक या बच्चों या लेडीज कुर्ती में या फिर बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह में डालते हैं जिससे ये घेर आता है, ये एक फ्रेम आकार बन जाता है। इसे हम हमेशा तिरछा करके डालते हैं ताकि देखने में इसका लुक अच्छा आता है, इसे हम सेल टक्स कहते हैं। नेक्स्ट है कॉर्डेड टक्स। कॉर्डेड टक्स का प्रयोग हम बाजू या नेक पे करते हैं। इसमें एक डोरी पड़ी होती है, इसकी चौड़ाई इसकी सिलाई हमेशा चौड़ी चौड़ी होती है और इसके बीच में एक डोरी पड़ी होती है जिससे हम खींच के टाइट कर सकते हैं। इस और कब इसकी सिलाई चौड़ी चौड़ी की जाती है ताकि इसके बीच में डोरी होती है ताकि इसे हम खींच के नेक पे या बाजू पे इसके तिरछा डिजाइन बना सके, इसे हम कॉर्डेड टक्स कहते हैं। और ये हुआ हमारा टाइप्स। अब इसके जो रूल्स हैं
एडजस्ट करने के लिए भी हम टैक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा पिन टैक्स है, वो ज़्यादा कपड़े को हम कम कर सकते हैं। अगर उसमें एक्स्ट्रा पिनअप कर लें, यानी एक्स्ट्रा पिन टैक्स डाल लें, तो वो ज़्यादा कपड़ा भी कवर कर सकता है। और जैसे छोटा बड़ा कपड़ा है तो उसे छोटे कपड़े में, जैसे हम कोई भी मार्केट से कपड़ा लाते हैं रेडीमेड, वो बहुत बड़े साइज का होता है, तो उसमें हम टैक्स काफ़ी छोटा कर सकते हैं। छुपाने के लिए हम टैक्स का प्रयोग करते हैं, ताकि जो भी कपड़ा, जैसे कोई कट फिट गया या फिर कपड़े में कोई फॉल्ट है, तो उसे हम ढकने के लिए, उसे छुपाने के लिए हम किसी भी टैक्स का प्रयोग कर सकते हैं। जिस अकॉर्डिंग चाहे जिसके अकॉर्डिंग हमारा उसमें फॉल्ट है, तो उसमें हम डायमंड टैक्स बना सकते हैं, सेल टैक्स का प्रयोग कर सकते हैं, अलग से कपड़ा लगा के पैच कर लगा के उस पर हम एक डिजाइन बना सकते हैं, उसको टैक्स का नाम दे सकते हैं। तो ये आज हम टैक्स के बारे में जाने हैं।